जी, तो अब हम बारी बारी ग्राफ्स देखते हैं। सबसे पहले हमने डिमांड कर्व को सेम रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। सो सबसे पहले हमने क्या बात की कि डिमांड को हम सेम रखेंगे और सप्लाई कर्व को हम चेंज करेंगे। एक दफा करेंगे इन इलास्टिक और दूसरी दफा करेंगे इलास्टिक। सबसे पहले स्क्रीन पे देखिएगा, टॉप पे आपको शो हो रहा है इन इलास्टिक सप्लाई। नाउ वी हैव टू ड्रॉ इट, दिस इज व्हाट इन इलास्टिक सप्लाई। कैसे पता चला कि इन इलास्टिक है? क्योंकि ये स्टीपर है, ज्यादा जो है स्ट्रेट की जानिब है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। जितना ज्यादा फ्लैटर होगा, जितना ज्यादा फ्लैट होगा, उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? ये इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है। ये हमने डिमांड कर्व एज यूजुअल नॉर्मल वाला ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमने डिमांड कर्व को नहीं छेड़ना। ये ना ज्यादा स्टीपर है ना ज्यादा फ्लैटर है जो डिमांड कर्व हमने ड्रॉ किया। अब हमने ये देखना है कि क्या जो डेड वेट लॉस है वो कितना ज्यादा होता है या कम होता है। हमने बात की थी कि डेड वेट लॉस जो है इन इलास्टिक होगा तो कम होगा, अगर सप्लाई या डिमांड दोनों में से कोई भी इन इलास्टिक होगी तो कम होगा। क्या कम होगा? डेड वेट लॉस। देख लेते हैं स्क्रीन पे, मैंने व्हाइट वाले डॉटेड लाइन जो है ये ड्रॉ की है। ये क्या है? साइज ऑफ द टैक्स, ठीक है। ये साइज ऑफ द टैक्स है, तो आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस वन, ये जिसका कलर मैंने अभी चेंज किया है पर्पल। ये क्या है? ये हमारे पास आ रहा है डेड वेट लॉस का साइज, ठीक है, डेड वेट लॉस। अब आपने देखा व्हेन सप्लाई इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, डेड वेट लॉस ऑफ द टैक्स इज स्मॉल। जब सप्लाई इन इलास्टिक होगी तो डेड वेट लॉस जो है वो स्मॉल होगा। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं इलास्टिक। यहाँ पे हमें पता है कि अगर सप्लाई कर्व इलास्टिक है तो हमारा डेड वेट लॉस जो है वो भी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, सप्लाई कर्व ड्रॉ किया, इलास्टिक है, स्टीपर नहीं है, फ्लैटर है, ज्यादा यानी कि हॉरिजॉन्टल की तरफ है, ठीक है। अब इसको हमने ड्रॉ कर दिया डिमांड कर्व को एज इट इज, सप्लाई कर्व को यहां पे हमने ड्रॉ किया है इलास्टिक, ठीक है। अब देखिएगा ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये हमारे पास क्या है? साइज ऑफ द टैक्स, दिस वन, और ये सारा पोर्शन हमारे पास क्या होगा? डेड वेट लॉस। So this is the size of the tax and what this purple, light purple area known as when supply is relatively elastic, the dead weight loss of a tax is large. जब supply elastic होगी तो dead weight loss का area large होगा। वो किस तरह से होता है? वो ऐसे होता है जैसे अभी आपको screen पे show हो रहा है। यहां तक हमें पता चला कि इलास्टिक होगा तो एरिया जो डेड वेट लॉस है टैक्स का वो ज्यादा होगा, लार्ज होगा। कैसे होगा वो ग्राफ पे हमने समझ लिया। और जब सप्लाई रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है तो तब हमारे पास डेड वेट लॉस जो है वो स्मॉल होता है। वो कैसे होता है उसको भी हमने ग्राफ से देख लिया। नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड द डिमांड कर्व। अब हमने क्या करना है? अब सप्लाई कर्व को हमने फिक्स कर लेना है, ठीक है। अब हम चेंज करेंगे डिमांड कर्व को। एक दफा लेंगे इन इलास्टिक और उसका इफेक्ट देखेंगे डेड वेट लॉस पे, फिर लेंगे इलास्टिक। सेम उसी तरह से इन इलास्टिक डिमांड कर्व अभी हम पहले लेने जा रहे हैं, और जब इन इलास्टिक होता है हमें पता है कि हमारे पास डेड वेट लॉस स्मॉल होता है। सो लेट्स सी फ्रॉम द ग्राफ। सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया, कर्व ड्रॉ किया सप्लाई कर्व। नाउ वी नीड टू ड्रॉ डिमांड कर्व। दिस इज व्हाट डिमांड कर्व इन इलास्टिक, ठीक है। ये इन इलास्टिक डिमांड कर्व है क्योंकि ये स्ट्रेट की जानिब ज्यादा है, ये तिरछा कम है, फ्लैटर कम है। So, अब ये ड्रॉ हो गया। अब मैं इसको व्हाइट डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूंगी डेड वेट लॉस के एरिया को। ये साइज ऑफ द टैक्स है, ठीक है। और ये जो पर्पल एरिया आपको कलर्ड अब शो हुआ है, ये क्या है? व्हेन द डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक द डेड वेट लॉस ऑफ द टैक्स इज स्मॉल। यही बात हमने की थी बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब इलास्टिक डिमांड कर्व होगा। उसी तरह से सप्लाई कर्व सेम हमने नहीं छेड़ा, किसको छेड़ना है? डिमांड कर्व को। अब डिमांड कर्व को हमने इलास्टिक शो किया है, ये देखिएगा इलास्टिक शो किया, यानी कि फ्लैटर की जानिब तिरछा ज्यादा हमने किया है। जितना ज्यादा तिरछा होगा उतना इलास्टिक होगा। अब ये डिमांड कर्व तिरछा ज्यादा है। अब हमें क्या पता है कि अब डेड वेट लॉस ज्यादा होना चाहिए। किस तरह से ज्यादा होता है देख लेते हैं। ये व्हाइट लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये क्या है? साइज ऑफ द टैक्स। और ये एरिया जो मैंने अभी कलर्ड किया है लाइट पर्पल कलर का, ये क्या है? दिस इज व्हेन डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक द डेड वेट लॉस ऑफ द टैक्स इज लार्ज। सो डेड वेट लॉस ऑफ द टैक्स क्या होता है? लार्ज होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से इलास्टिसिटी डिमांड की और सप्लाई कर्व की क्या डिटरमिन करती है? डेड वेट लॉस का साइज ज्यादा होगा या कम होगा। अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में कि डेड वेट लॉस को किस तरह से डिटरमिन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व डिटरमिन द साइज ऑफ द डेड वेट लॉस, ठीक है बच्चों।
अंडरस्टैंड है। अब हम बात करेंगे कि जब डेड वेट लॉस जो है उसका क्या इफेक्ट होता है टैक्स रेवेन्यू पे एज द टैक्स वेरी। जैसे जैसे टैक्स वेरी होता जाता है, चेंज होता जाता है, तो टैक्स रेवेन्यू पे क्या असर होता है और डेड वेट लॉस पे क्या असर होता है। डेड वेट लॉस एंड टैक्स रेवेन्यू एज द टैक्सेस वेरी। जब टैक्स चेंज करते हैं तो डेड वेट लॉस किस तरह से चेंज होता है और टैक्स रेवेन्यू पे उसका क्या असर होता है, दोनों किस तरह से चेंज होते हैं उसको अब हम देखेंगे। हमने ये पहले पढ़ा था कि लॉस जो होता है वो ज्यादा होता है टैक्स रेवेन्यू से, ठीक है। विद ईच इंक्रीज इन द टैक्स रेट, जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता जाता है द डेड वेट लॉस ऑफ द टैक्स इंक्रीजेस, डेड वेट लॉस जो है वो भी बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा टैक्स लगेगा लोग उतनी ही चीजें कम खरीदेंगे, ठीक है। और ये जो डेड वेट लॉस जो है ये बढ़ता जाता है टैक्स की वजह से इवन मोर रैपिडली, ज्यादा तेजी से देन द साइज ऑफ द टैक्स। टैक्स इतना लगा नहीं होता जितना कि इसमें चेंज आता जाता है, यानी कि जब टैक्स लगा दिया जाता है फिर चाहे उसको थोड़ा 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 बढ़ाते रहो लेकिन टैक्स तो बढ़ रहा है ना, तो उसका हमारे पास लॉस ज्यादा आता है, डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस यानी कि टोटल सरप्लस जो है उसमें कमी वाकिया हो जाती है, ठीक है। सो फॉर द स्मॉल टैक्स, टैक्स रेवेन्यू इज स्मॉल। इसका क्या मतलब है, जब आप थोड़ा टैक्स लगाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू भी थोड़ा होगा, यानी कि टैक्स की वजह से जो इनकम, जो पैसा गवर्नमेंट की जेब में जाता है वो भी थोड़ा होगा। ऐसे ही है, गवर्नमेंट अगर ज्यादा टैक्स लगाएगी तो ज्यादा पैसा गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। सो फॉर द स्मॉल टैक्स, टैक्स रेवेन्यू इज स्मॉल। जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। सो एज द साइज ऑफ द टैक्स राइजेस टैक्स रेवेन्यू ग्रोस, ठीक है। जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना ज्यादा ही टैक्स रेवेन्यू होगा, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, अब यहां पे बात एक गौर तलब ये है कि टैक्स अगर बढ़ता जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती जा रही है, टैक्स लगाती जा रही है, लेकिन टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट की जेब में पैसा जा रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। कैसे? वो इस तरह से कम होना शुरू हो जाएगा कि बच्चों जब एक चीज पे टैक्स लगी जा रहा है, लगी जा रहा है, लगी जा रहा है, तो लोग उसको परचेज करना कम कर देंगे। जब उसको परचेज करना कम कर देंगे तो जितनी चीज बिकेगी वही टैक्स पे करेंगे ना, जो खरीदेंगे, ठीक है, जो बिकेगा उसी के ऊपर टैक्स लगेगा और वही गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। अगर आप टैक्स वाली चीज खरीद ही नहीं गए तो गवर्नमेंट की जेब में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। सो इस तरह से टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती जाती है, क्योंकि कंज्यूमर्स उसको खरीदना कम कर देते हैं। सो बट एज द साइज ऑफ द टैक्स कॉन्टिन्यूज टू राइज, जैसे टैक्स का साइज बढ़ता जाता है, साइज मीन उसकी परसेंटेज, 20%, 30%, 40% टू राइज, तो क्या होता है टैक्स रेवेन्यू फॉल्स, टैक्स रेवेन्यू कम हो जाता है। बिकॉज द हायर टैक्स रिड्यूसेस द साइज ऑफ द मार्केट, जितना ज्यादा टैक्स ज्यादा लगेगा तो साइज ऑफ द मार्केट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइज ऑफ द मार्केट क्या होता है, जितनी ज्यादा किसी चीज की बिक्री होती है, ठीक है, उतना ज्यादा कहा जाता है कि उसकी मार्केट उतनी ही बड़ी है। जितनी ज्यादा किसी चीज की खरीदारी होती है उतना ही कहा जाता है कि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। तो जितनी किसी चीज की अगर है ही नहीं है सेल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ जापानीज कार इस तरह से हैं जिनको कहा जाता है कि इनकी यहाँ मार्केट नहीं है, आउट ऑफ मार्केट कार है, आउट ऑफ मार्केट गाड़ी लेने का क्या फायदा यार, वो तो सेल ही नहीं होती। तो सेम इज द केस हियर, लोकल गाड़ियों की यहाँ पे मार्केट जो है उसका साइज ज्यादा बड़ा है, लोकल गाड़ियां जल्दी सेल आउट हो जाती हैं। जापानीज गाड़ियां कुछ इस तरह की हैं जो जिनकी के सेल परचेज जो है वो इतनी नहीं है, उनकी मार्केट इतनी नहीं है पाकिस्तान में, साइज ऑफ द मार्केट इतना नहीं है। क्यों? उसके डिफरेंट रीजंस हैं, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स की वजह से, ठीक है, रिपेयर्स वगैरह के इश्यूज आ जाते हैं, कुछ जो भी इस तरह के इश्यूज हैं उनकी वजह से, ठीक है। सो ये साइज ऑफ द मार्केट आपको क्लियर हुआ। सो अब डेड वेट लॉस को हम किस तरह इसके साथ रिलेट करेंगे, हमने अभी बात की कि जिस तरह टैक्स इंक्रीज होता जाता है डेड वेट लॉस भी बढ़ता जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लगाती जा रही है या लोग खरीदना छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। सो क्या होगा, एज द साइज ऑफ द टैक्स इंक्रीजेस, और सिंपली एज द टैक्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा डेड वेट लॉस क्विकली गेट्स लार्जर, डेड वेट लॉस भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा तेजी से। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही साथ साथ मूव करेंगे, टैक्स बढ़ता जा रहा है तो डेड वेट लॉस भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू की हमने क्या बात की कि टैक्स जब लगा तो उस वक्त तो रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा क्योंकि लोग इतनी जल्दी उसको खरीदना नहीं छोड़ देंगे। फिर जब टैक्स दोबारा लगा, फिर दोबारा लगा, फिर दोबारा लगा, उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने उसको खरीदना कम कर दिया, कम कर दिया, कम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो रेवेन्यू भी कम होता जा रहा है। यानी कि टैक्स के बढ़ने से
डेड वेट लॉस बढ़ता जा रहा है और टैक्स रेवेन्यू कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जितना ज्यादा टैक्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो बाय कंट्रास्ट टैक्स रेवेन्यू फर्स्ट राइजेस, पहले वो इंक्रीज होता है विद द साइज ऑफ द टैक्स, ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ द टैक्स, या इसको इस तरह कह सकते हैं। बट देन एज द टैक्स गेट लार्जर, जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाता है, द मार्केट श्रिंक्स, मार्केट कम होती जाती है उसकी, सो मच दैट द टैक्स रेवेन्यू स्टार्ट्स टू फॉल, टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग ग्राफ के थ्रू। अब थ्री डिफरेंट टाइप्स के टैक्स हम लोग इम्पोज करेंगे, डिफरेंट साइजेस के, तो उनका हम लोग असर देखेंगे डेड वेट लॉस के ऊपर और टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। सबसे पहले एज यूजुअल हमने ड्रॉ करना है सप्लाई कर्व, देन डिमांड कर्व, ठीक है। अब ये सप्लाई और डिमांड कर्व हमने ड्रॉ कर दिए, और ये वाला पॉइंट Q1 जो आया है हमारे पास, ये Q1, ये क्या पॉइंट है, ये हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। और ये पी बी और PS, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं वो वाली सेल जो वो वाली प्राइस जो बायर ने पे की, और ये वो वाली प्राइस है जो सेलर के पास की, इसलिए इसको PS बोला है और इसको PB बोला है। और ये दरमियान वाला एरिया हमने बोला था टैक्स रेवेन्यू है, और ये वाली क्वांटिटी वो है Q2, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया, अंडरस्टैंड। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो मैंने कलर किया है डेड वेट लॉस का एरिया, ये डेड वेट लॉस है, ठीक है, दिस इज व्हाट डेड वेट लॉस। अब हम लोग ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये ब्लू वाला पोर्शन टैक्स रेवेन्यू है, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। अब ये कब था, जब स्मॉल टैक्स था। देखें टैक्स स्मॉल है, डेड वेट लॉस भी कम है, और टैक्स रेवेन्यू कितना ज्यादा है, ब्लू पोर्शन कितना ज्यादा है, और जो पिंक, लाइट पिंक या पर्पल कलर है वो हमारे पास कितना कम है, ठीक है, ये स्मॉल टैक्स है। अब करते हैं जी मीडियम टैक्स, दरमियाना सा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने लगाया है यहाँ। अच्छा, अब क्या है, मीडियम टैक्स लगा है, मीडियम टैक्स लगा है, तो अब क्या होगा, अब डेड वेट लॉस भी बढ़ना चाहिए और टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टैक्स इंक्रीज हुआ है तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, अभी फिलहाल बढ़ेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा इंक्रीज और हुआ है। देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू, ये वाला जो लाइट पर्पल सा कलर है ये क्या है, डेड वेट लॉस, टैक्स इंक्रीज हुआ, डेड वेट लॉस भी इंक्रीज हो गया, ठीक है, डेड वेट लॉस। और ये क्या है, टैक्स रेवेन्यू, आपने देखा कि ब्लू पोर्शन और ज्यादा हो गया टैक्स रेवेन्यू। अब क्या हुआ कि और ज्यादा टैक्स लग गया, तो अब लोगों ने क्या करना है, अब लोग इसको कम परचेज करना शुरू कर देंगे आगे चल के। अभी फिलहाल एक दफा गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू जो है वो ज्यादा गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं कब जो है लोग इसको परचेज करना कम कर देंगे और हमारे पास जो है रेवेन्यू कम होगा, जब लार्ज टैक्स लगेगा, सी पोर्शन में लार्ज टैक्स। अब लार्ज टैक्स की एग्जांपल आपको देने जा रही हूँ, ये डिमांड और सप्लाई ड्रॉ कर ली, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। अब ये Q2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से Q1 से Q2 की तरफ इतनी ज्यादा क्वांटिटी लोगों ने छोड़ दी क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स लग गया, तो अब इतना फर्क आ गया प्राइसेस में, ये सारा पोर्शन क्या है टैक्स का, और टैक्स रेवेन्यू का कितना पोर्शन होगा, ये वाला जो व्हाइट डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है। सो ये जो सारा डार्क एरिया है, जो लाइट पर्पल से कलर का है, जो कलर्ड एरिया है, ये क्या है, ये डेड वेट लॉस है। अब आपने देखा कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हो गए और डेड वेट लॉस भी बहुत ज्यादा हो गया। अब रेवेन्यू कितना है उसको देखते हैं, ये तो डेड वेट लॉस हो गया, रेवेन्यू का ये पोर्शन है ये ब्लू वाला, आपने देखा कि कितना कम हो गया रेवेन्यू, टैक्स ज्यादा हुआ है तो रेवेन्यू कितना कम हो गया, ठीक है बच्चों, यहां तक अंडरस्टैंड है। अब आगे समरी है जो हमने सारा अभी तक पढ़ा, इसको मैं स्क्रीन पे डाल देती हूँ, ठीक है, इसको आप लोग एक दफा पढ़ लीजिएगा, जो चीजें अभी तक हमने इस चैप्टर में की हैं ये उनकी समरी है, स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, ये नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, इसको जरूर एक दफा गौर से देखिएगा ताकि जो है आपको अंडरस्टैंड हो कि हमने यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें की हैं और किस किस तरह से की हैं, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर, ये वाला जो है चैप्टर 8, ये क्लोज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और हमारे प्यारे देश पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।